नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। NIOS DLED अभ्यर्थियों को TET और शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया में शामिल किए जाने के संदर्भ में पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। दोस्तों, उस पर सुनवाई दिनांक 7 नवंबर 2019 को हुई है और इस सुनवाई के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल करके आई हैं। NIOS DLED कैंडिडेट्स के जो वकील थे, उन्होंने अपनी सभी दलीलों को रखा है और सरकार और NCT से इसके रिगार्डिंग सवाल पूछा था कि क्या NIOS DLED अभ्यर्थियों को TET या फिर शिक्षक भर्ती की नियोजन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, इस पर NCT का जवाब यह था कि चूंकि NIOS DLED कोर्स सेवारत शिक्षकों के लिए था, जो कि पहले से प्राइवेट या फिर सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे थे, और इनको जो कोर्स था इनका वह 18 माह का था, तो इस वजह से इनको किसी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर किसी भी शिक्षक के नियोजन में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि NCT के गाइडलाइंस के अनुसार 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होना अनिवार्य है। दोस्तों, इस पर माननीय कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की और उन्होंने यह बताया कि ये सभी बातें आपको पहले से स्पष्ट करके चलनी चाहिए थी। हालांकि NIOS DLED कैंडिडेट्स के अभ्यर्थियों ने यह के वकील ने यह स्पष्ट किया कि उनके एडमिट कार्ड से लेकर के मार्कशीट सभी पर 2 वर्षीय NIOS DLED कोर्स मेंशन है। दोस्तों, उसके साथ ही साथ शासन के तरफ से जो वकील थे, उन्होंने भी NCT की हाँ में हाँ मिलाई और उन NIOS DLED अभ्यर्थियों को शिक्षक के नियोजन प्रक्रिया में शामिल ना किए जाने के संदर्भ में पैरवी की। दोस्तों, माननीय पटना हाईकोर्ट NIOS DLED अभ्यर्थियों के पक्ष में दिखा और चूंकि सुनवाई अभी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी और इसी के लिए आज दिनांक 8 नवंबर 2019 को माननीय पटना हाईकोर्ट में फिर से इस केस को सुना जाएगा। दोस्तों, क्या कुछ रहता है देखने वाली बात होगी और जो कुछ भी मैंने बताया उसके संदर्भ में पेपर में आर्टिकल निकली हुई थी, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।